प्यारे बच्चों नमस्कार। हम पिछले क्लास में एक कहानी पढ़ते थे, याद रखा? हाँ, क्या है? सदा कहना मानो। कहानी के बारे में आप सोचते थे, याद रखा? हाँ, हमें हमारा कहानी में एक छोटा बालक था, उसका नाम क्या था? मिंडू। हाँ ठीक है, मिंडू नाम का एक छोटा बालक था। वह बहुत शरारती और सिद्धि थी, ठीक है? हाँ, हमारे कहानी में एक बालक था, उसका नाम मिंडू था, वह बहुत सिद्धि और शरारती थी। और क्या है? उसके माँ हर रोज उसको समझाती थी, लेकिन वह कुछ नहीं मानेगा, ठीक है? एक दिन माम घर में नहीं था, उस समय मिंडू क्या किया? मिंडू ने रसोई घर में घुस गया और सूखे मेवे, मिंडू को सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे बहुत पसंद है, इसलिए माम घर पर नहीं था। उस समय मिंडू ने रसोई घर में घुस गया और क्या किया? एक डिब्बा, सूखे मेवे का एक डिब्बा लेकर कहाँ रखा? कमरे में आकर टीवी चलाकर सूखे मेवे खा कर रखा, ठीक है? कार्टून टीवी में कार्टून देखते देखते पूरा सूखा मेवा मिंडू खा लिया और उसने चुपचाप डिब्बा वही रखा, रसोई घर में रखा। माम को इसके बारे में कुछ नहीं पता मिला, ठीक है? इतने भाग हम पिछले क्लास में पढ़ते थे। आगे देखिए, शाम से ही मिंडू के पेट में दर्द शुरू हो गया। माम को इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। शाम होने से, इवनिंग टाइम आने से मिंडू को पेट में पूरा दर्द है, पेन, स्टोमक पेन आया, उसके मिंडू के पेट में पूरा दर्द हो गया। माँ ने रात के खाने में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे, मिंडू के माम ने बहुत अच्छे पकवान बनाए थे रात में खाने के लिए, लेकिन मिंडू को कुछ नहीं खा पाया। क्यों? मिंडू के पेट में पूरा दर्द है। माम हैरान थी कि मिंडू खाना क्यों नहीं खा रहा। मिंडू के माम ने सरप्राइज हो गई, हैरान हो गई, क्यों? हाँ, मिंडू कुछ नहीं खाता है, क्यों? मिंडू को पेट में दर्द है, वह तो सादा अधिक खाना था। माम ने सोचा था कि मिंडू ज्यादा रात में ज्यादा पकवान खाने थे, उसको पकवान बहुत पसंद है, लेकिन आज मिंडू कुछ नहीं खाया। आगे देखिए, रात होते होते मिंडू के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगी। रात होते होते मिंडू के पेट में पूरा दर्द तेज हो गया, मिंडू को पूरा स्टोमक पेन आया। उसने माम को सच सच बता दिया। मिंडू पूरा दिन की पूरा बात माम को सच बता दिया, वायदा किया, वायदा मीन्स प्रोमिस, और प्रोमिस किया कि वह कभी भी सूखे मेवे ज्यादा नहीं खाएगा। और एक भी कहा है, क्या है मैम? अभी भी नहीं, सूखे मेवे ज्यादा नहीं खाएगा, माम का कहना मानेगा। माम मुझे पूरा दर्द है, हम माम आज नहीं है तो उस समय मैम ज्यादा मेवा खाया, इसलिए मेरा पेट दर्द हो गया है, इसलिए मैम पूरा दर्द है, अभी भी मैं माम का बात सही मानेगा, माम का कहना मानेगा, इसी प्रकार बताकर मिंडू रोने लगा। माम मिंडू के सच बोलने पर बहुत खुश हुई। माम को खुश हुई, क्यों? मिंडू क्या किया? सच बता दिया, ठीक है? माम उसे दवाई दी, मिंडू को पेट दर्द दूर होने के लिए माम क्या दिया? मेडिसिन, दवाई दी, और उसके पेट का दर्द ठीक हो गया। उस प्रकार मिंडू का पेट दर्द
ठीक हो गया। ठीक है, देखिए लास्ट पैराग्राफ वंस अगेन देखिए। शाम से ही मिंडू के पेट में दर्द शुरू हो गया, दर्द पेन। माम ने रात के खाने में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे, पर मिंडू को कुछ नहीं खाया। माम हैरान थी कि मिंडू खाना क्यों नहीं खा रहा है, वह तो सादा आदिग खाना खाता है। ठीक है, एट नाइट मिंडू हैड ए स्टोमक पेन, वेरी सीवियर स्टोमक पेन। रात होते होते मिंडू के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगी। उसने माम को सच सच बता दिया तथा वायदा किया कि वह कभी भी सूखे मेवे ज्यादा नहीं खाएगा और माम का कहना मानेगा। माम मिंडू के सच बोलने पर बहुत खुश हुई। माम ने उसे दवाई दी और जिससे उसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सीवियर स्टोमक आने से थोड़ा समय के बाद माम ने क्या दिया, दवाई, मेडिसिन दिया। उसी प्रकार मिंडू का स्टोमक पेन, पेट दर्द ठीक हो गया। ठीक है, हम इस पाठभाग का गुणपाठ क्या है, क्या है, पेरेंट्स और पेरेंट्स कहना मानेगा। ठीक है,